हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। सब लोग ऑनलाइन हो जाओ। शीतल लाइव है ग्रुप में, मैसेज करो सब लोग ऑनलाइन हो। करेक्टरिस्टिक्स के बाद हम दोबारा से रोल ऑफ नर्सिस से ही हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, और जो पॉइंट्स रह गए थे हम एजुकेशन पे थे, तो एजुकेशन से ही हम ऑनवर्ड इसको स्टार्ट करेंगे। रोल ऑफ नर्सिस में एजुकेशन का मुझे बताओ कि एज अ नर्स क्या, एज अ एजुकेटर आप क्या रोल परफॉर्म करोगे? हाँ जी अमन, पहले क्यों नहीं ऑनलाइन हुई पिछली क्लास में? जी एज एजुकेटर क्या रोल प्ले करेंगे आप? हु इज एजुकेटर? जी लाइबा, एजुकेशन किन पॉइंट पे देनी होती है? अभी तो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इसके अलावा कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप लोग? जी प्रोटेक्टर कैसे होगा? हाँ जी नेहा, हाँ जी ठीक है लाइबा, थैंक यू। नेहा और रोलिका मुझे बताओ, प्रोटेक्टर का रोल किस तरह से प्ले करोगे आप? प्रोटेक्टर किस तरह से, एक नर्स प्रोटेक्टर कैसे हो सकती है? क्या रीजन है ऐसा, ऐसे क्या टास्क है? हाँ जी प्रोटेक्टर कैसे है नर्स? जी प्रोटेक्टर किस तरह से होगा? अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट होती है। ओके, मेरा क्वेश्चन था कि प्रोटेक्टर, एज अ प्रोटेक्टर नर्स कैसे रोल प्ले कर सकती है? मुबशर 2 बजे की क्लास का, हो सकता है 2 बजे ना होनी हो, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा तो नेहा, नेहा का ये है कॉन्फिडेंशियलिटी होगी। अच्छा मुबशरा, मेरा ये क्वेश्चन था कि नर्स, तो एक नर्स है ना जिसका काम है मेडिसिन देना, इंजेक्शन लगाना, वो एज अ प्रोटेक्टर कैसे काम कर सकती है? ठीक है, ये तो रोल दिया हुआ है नर्स का एज अ प्रोटेक्टर, तो कैसे प्रोटेक्ट करेगी? अच्छा नेहा कह रही है एज अ नर्स पेशेंट की हेल्थ और राइट्स को सिक्योर करना। ओके, मैविश कह रही है प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम एनी कॉम्प्लिकेशन एंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन ऑन टाइम। ओके मैम, उसने पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। मुबशरा कह रही है ठीक है, मुबशरा पेशेंट को हार्म से प्रोटेक्ट करना है और मीन वाइल अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। ओके ठीक है, गुड। पेशेंट की प्राइवेसी को हाइड करके, ओके ठीक है नेहा। एक्स्ट्रा मेडिकलाइजेशन से प्रोटेक्ट करना, मेडिकलाइजेशन क्या है? अच्छा एक्स्ट्रा प्रोसीजर से, अननेसेसरी ट्रीटमेंट से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है नेहा गुड। और इसके अलावा
अननेसेसरी पेशेंट के साथ बेवजह का डील किया जाना, बेवजह का पेशेंट्स को इन्वॉल्व किया जाना अननेसेसरी चीज़ों में, जैसे कि अननेसेसरी एक्टिविटीज़ होती हैं बेतहाशा, जिसमें लोगों को ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किया जाता है जो वो नहीं चाहते, और जिसकी वजह से इरिटेट होती है आवाम ज़्यादातर। अननेसेसरी मेडिसिन्स नहीं देनी, ठीक है नेहा, ओके। और जैसे कि आपको याद होगा, वो गब्बर मूवी में क्या करते थे कि पेशेंट्स को जो नई भी मेडिसिन चाहिए, नई भी कोई प्रॉब्लम थी, तो एक जगह पे आपने देखा होगा कि डॉक्टर क्या कहता है कि इसको बड़ी बड़ी मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज चिपकाओ और इसको जो है ना ऑपरेशन के लिए भेज दो। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल है कि हर दूसरी जो फीमेल है उसका सी सेक्शन होता है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो इस तरीके से अननेसेसरी जो है वो काम किए जाते हैं, अननेसेसरी मेडिसिन ऑर्डर, बेवजह मेडिसिन बेतहाशा मंगवा ली, एक एक शिफ्ट के अंदर 10-10 सिरिंजेस मंगवा ली, चार चार पांच पांच एक्स्ट्रा इंजेक्शन मंगवा लिए, यानी कि एक दिन की मेडिसिन मंगवा ली, एक्स्ट्रा मेडिसिन मंगवा ली, और फिर क्या हुआ, वो इधर उधर दूसरे पेशेंट्स पे यूज़ कर ली, या वो गुम हो गई या चोरी हो गई, ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। ये प्रोटेक्टर हो गया। अब प्रोटेक्टर में मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दी थी कि एक मैंने आपको बात बताई थी जो कि प्रोटेक्टर में आती है, क्या भला, सिमरा नेहा कह रही है, और पेशेंट ठीक होता होते हैं कि डिस्चार्ज हो जाए। अच्छा, पेशेंट ठीक होता है और वो चाह रहे होते हैं कि वो डिस्चार्ज हो जाए, बट डॉक्टर नहीं करते और उनको वैसे ही बेड चार्जेस और मेडिसिन लग रही होती है। अच्छा, उसके पीछे एक लॉजिक होती है, एक रीज़न होती है, हो सकता है कि वो मेडिकली फिट ना हो और अर्ली डिस्चार्ज की ज़रूरत ना हो। जैसे कि मैंने आपको, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि अर्ली डिस्चार्ज नहीं करना जब तक पेशेंट सेटिस्फाई ना हो, पेशेंट की कंडीशन इतनी ना हो, जब तक पेशेंट इम्प्रूव ना करे, जब तक पेशेंट की कंडीशन बेटर ना हो तब तक डिस्चार्ज नहीं करना, ठीक है। सिमरा कह रही है, द नर्स हेल्प्स मेंटेन अ सेफ एनवायरमेंट फॉर द क्लाइंट, टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट इंजरी, प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, द नर्स प्रोटेक्ट क्लाइंट्स ह्यूमन एंड लीगल राइट्स, ठीक है, गुड सिमरा। और इसके अलावा क्या है, ये सारा प्रोटेक्टर हो गया केयर गिवर में। अब एज अ केयर गिवर कैसे रोल प्ले करेंगे कि नर्स तो है ही केयर गिवर, उसका काम ही केयर प्रोवाइड करना है। अब केयर जो है वो सही ईमानदारी से अच्छे से की जाए तो वो मैटर करती है। रिसर्चर कैसे है कि आपने रिसर्चेस करनी है, जैसे कि हमारी न्यू एडवांस एडवांसमेंट की अगर हम बात करें, तो न्यू एडवांस जो हमारा रोल है उसमें रिसर्चर का आता है। रिसर्चर का क्या काम है, अली किधर, अली तुम लेक्चर ले रहे हो? हाँ जी अली,
अच्छा, रिसर्चर कौन है? रिसर्चर वो हैं जो कि रिसर्चेस करके न्यू रिजल्ट्स जो हैं वो अपने एनालिसिस देते हैं, उसके बेस पे हम नए काम करते हैं। जैसे कि नर्सिंग केयर की हम बात करते हैं कि किस तरीके से काम जो है वो किया जाएगा तो अच्छा पेशेंट को हम डील कर सकते हैं, केयर दे सकते हैं, वो केयर वो रिसर्चर्स का रोल आ जाता है। टीचर का क्या है कि टीचर्स का काम है कि वो अच्छे से आपको मैसेज और नॉलेज और एजुकेशन कन्वे करें ताकि आप उसे लर्न करें। अगर आपने लर्न किया और उसको इम्प्लीमेंट किया तो इट्स मीन कि आपकी टीचिंग अच्छी हो, ठीक है, कि अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर बैठो। फिर इसके अलावा अब यही रोल्स हैं, आपको फिंगर टिप्स पे ये रोल्स पता होने चाहिए कि क्या क्या रोल्स हैं जो कि नर्स परफॉर्म करती है, ठीक है। एज अ नर्स आप क्या क्या रोल प्ले करते हो, आपको इनका पता होना चाहिए। और जो इसके अलावा आपको इनको फिंगर टिप्स पे याद रखना है, हो सकता है कभी आपके क्वेश्चन में आ जाए कि एनलिस्ट द रोल ऑफ द नर्स और एलेबोरेट या एक्सप्लेन एनी टू एनी थ्री और एनी फाइव, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए एडवोकेटर का क्या रोल है। नेहा मैम, जैसे कोई डिजीज डायग्नोज हुई है और पेशेंट को, तो नर्स को भी उस डिजीज का पे रिसर्च करनी चाहिए और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखने चाहिए। अच्छा, नेहा व्हाट इज रिसर्च, मुझे बताओ आपके आपके पॉइंट से, आपके नजरिए में रिसर्च क्या है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रिसर्च एंड सर्च? जी नेहा, रिसर्च क्या है? जी समरा, फातिमा, नेहा, इरम, सिमरा, मुबशरा, शानजा, मैविश, व्हाट इज रिसर्च? रोलिका, एमन, सहर, व्हाट इज रिसर्च? हाँ जी, क्या रिसर्च है? सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशंस टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स है, सर्च अगेन, आइडेंटिफाई स्टॉक। अच्छा, क्या कह रहे हैं? सुलेमान कह रहा है स्टॉक ऑफ नॉलेज है इंक्रीज करने के, स्टॉक ऑफ नॉलेज इंक्रीज करने के लिए कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जिलियोमा कह रही है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिनोमेना, ठीक है। नेहा कह रही है सर्च तो हमें न्यूली कोई चीज करते हैं, बट रिसर्च में ऑलरेडी जो स्टडी कुछ हो चुकी होती है उसके उसकी बेस पे न्यू स्टडी करते हैं। ओके, सर्च अगेन, ठीक है। और मैविश कह रही है सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स। ओके, एवन कह रही है रिसर्च इज द न्यू नॉलेज वी गैदर अबाउट सम फिनोमेना, न्यू आइडियाज एंड एक्सपर्टीज, ठीक है, ठीक हो गया। तो क्रिएटिव क्रिएटिव और सिस्टमिक वर्क होता है, ठीक है। समरा कह रही है मैम किसी भी पास्ट सर्च की एक्सपेंशन और सिस्टमिक वर्क क्रिएटिविटी है। क्या चीज? पास्ट रिसर्च की या सर्च की? ये आपने रिसर्च की बताई है या सर्च की क्या के बारे में बताया है, एक्सप्लेन करो। अच्छा, रोलिका कह रही है न्यू अल्टरनेट, रोलिका कह रही है सर्च इज टू फाइंड समथिंग विच इज नॉट नोन और रिसर्च मीन्स टू सर्च अगेन एंड अगेन टू फाइंड समथिंग न्यू। अच्छा, रोलिका ने कहा है कि रिसर्च है कि सर्च करना अगेन एंड अगेन। ओके, न्यू ऑल्टरेशन इन रिजल्ट्स है, सर्च है, ठीक है। समरा ये कह रही है सर्च के बारे में, ठीक है। अच्छा, रिसर्च के बारे में समरा ने बोला है, ठीक हो गया।
बेसिकली मैं जैसे नेहा ने कहा कि नेहा ने मुझे ये रिप्लाई किया था कि रिसर्च हम करेंगे, हम इसके बारे में, जैसे कि कोई डिजीज डायग्नोज हुई है पेशेंट की तो नर्स को भी उस डिजीज के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। अब रिसर्च मुझे बताओ कि कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाती है। रिसर्च एक लॉन्ग रन में चलने वाला प्रोसीजर है, ये एकदम से नहीं होता। अगर आपको, जब आप पेशेंट के पास हो और आप स्टडीज भी कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि ये वाला केस अच्छा है और मैं इसके ऊपर स्टडी करके ज्यादा अच्छे से नॉलेज गेन कर सकती हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप अपना वो एक टॉपिक सेलेक्ट कर लो। बेसिकली यहाँ पे बात आ जाती है टॉपिक सिलेक्शन की, ठीक है नेहा। अगर आप किसी पेशेंट की डिजीज डायग्नोज हुई है, जैसे कि होकम डिजीज डायग्नोज हुई है, होकम, ठीक है। अब जैसे नेहा है, सपोज नेहा आपका पेशेंट है होकम का, तो अब आपके माइंड में आएगा होकम क्या होता है, मैंने तो ये लफ्ज ही नहीं पहले कभी सुना, अब मैं इसके बारे में सर्च करूंगी जाके। आप रिसर्च नहीं करोगे, आप उसके बारे में सर्च करोगे और आप उसके बारे में एक दिन में 2 दिन बैठ के अच्छे तरीके से स्टडी करोगे, ताकि जब आप पेशेंट के पास जाओ तो आपको सारी उसके बारे में चीजों का पता हो, ठीक है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपने सर्च किया होगा, जब आप इसके बारे में जानते होगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि इतने शॉर्ट टाइम में आप सर्च कर सकते हो, आप रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च के लिए पूरा पैनल है, आपको एथिकल रिव्यू कमेटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और बहुत सारे काम इस पे लॉन्ग रन में करने पड़ेंगे, फिर जाके रिसर्च होती है, और इतनी जल्दी नहीं आ सकती, इसके ऊपर लंबा टाइम लगता है। लेकिन हाँ, ऐसी डिजीज या ऐसा सिनेरियो जो नेहा ने दिया है, ये सिनेरियो इस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो जब आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है, ठीक है। टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए आप कर सकते हो, ठीक हो गया। होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और रिसर्च में आपको पता है कि न्यू नॉलेज है, जैसे कि सुनैना ने कहा, और सिस्टमिक वर्क होता है, पूरे सिस्टम में जाके आप सिस्टमिक तरीके से उसके रिजल्ट्स देते हो, यानी कि सबसे पहले आपने लिटरेचर रिव्यू दिया, मेथोडोलॉजी दी, और फिर आपने उसका, जैसे उसका नॉलेज वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज़ें दी, फिर मेथोडोलॉजी दी, फिर रिजल्ट दिए, डाटा कलेक्शन दी, फिर उसके बाद फिर उसका कंक्लूजन निकाला, फिर रिकमेंडेशन दी, ये सिस्टमिक एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ नर्सिंग क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? द वर्ड नर्स ओरिजिनली केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यू। हाँ जी, ओरिजिन कहाँ से हुआ था नर्सिंग का, ओरिजिन ऑफ नर्सिंग क्या है? अभी हमने पीछे इसकी डेफिनेशन देखी थी, आप लोग क्या कहते हो?
वर्ड नर्स ओरिजिनली केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड है जिसको न्यूट्रायर से निकला था, मीनिंग था कि नरिश करना, ठीक है। रेफरिंग टू अ वेस्ट नर्स ओनली इन द लेट 16th सेंचुरी डिड इट अटेन इट्स मॉडर्न मीनिंग ऑफ अ पर्सन। From the earliest time, most culture produced a stream of nurse dedicated to service on religious principles. ठीक है, बहुत सारे जो earliest time के अंदर बहुत सारे जो cultures थे वो produce हुए थे ताकि stream कर सके nurses को वो dedicated, ताकि वो services उनकी dedicated हो। ताकि वो डेडिकेटेड सर्विसेज दे सके और रिलीजियस प्रिंसिपल्स को भी फोकस किया जा रहा था इसमें। इसके अलावा बहुत बहुत क्रिश्चियन डम और मुस्लिम वर्ल्ड जनरेटेड अ स्ट्रीम ऑफ डेडिकेटेड नर्सिस। दोनों दोनों रिलीजन जो हैं, अगर हम अपने एरिया की बात करें तो जो मोस्ट जो ज़्यादातर जो उसमें है स्ट्रेंथ में है दोनों रिलीजन्स, इन लोगों ने ज़्यादातर जनरेट करने की डेडिकेटेड नर्सेज जनरेट करने की कोशिश की है फ्रॉम देयर अर्लीस्ट डे स्टार्ट से ही डे वन से इन यूरोप बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग। कैथलिक नन्स एंड द मिलिट्री ऑफन प्रोवाइडिंग नर्सिंग लाइक सर्विसेज। जो नन्स वगैरह थी वो ये केयर्स वगैरह प्रोवाइड करती थी, और जो कैथलिक नर्स थी बेसिकली वो डेडिकेशन के साथ, और जो मिलिट्री की नर्सेज थी वो डेडिकेशन के साथ इसके ऊपर काम कर रही थी यूरोप से जब ये चीज़ों का स्टार्ट हुआ था। बेसिकली नर्स को सिस्टर इसीलिए बोला जाता है, जो नर्स होती हैं नर्स सिस्टर्स होती हैं वो उनको सिस्टर बोला जाता है, ठीक है। वो रिलीजियस जो है वो एक्टिविस्ट होते हैं, वो रिलीजियस रहनुमा होते हैं, उनका काम होता है कि उन्होंने रिलीजियसली चीज़ों को देखना होता है। लेकिन होता क्या है बेसिकली कि जब क्या कहते हैं उस दौर में जब नर्स टेक केयर करती थी, नर्सिंग करती थी, तब से नर्स को जो है वो सिस्टर का लफ्ज दे दिया गया और उनको फिर सिस्टर बुलाया जाता है, और ये नर्सिंग लाइक सर्विसेज देती थी। इट टुक अनटिल 19th सेंचुरी और 19th सेंचुरी तक जो है ये काम करते रहे हैं, ठीक है, टू बिकम अ सेकुलर प्रोफेशन, जब तक ये प्रॉपर एक सेकुलर प्रोफेशन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो गया तब तक। फोक इमेज क्या है? फोक इमेज है नर्स का द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फोकस्ड ऑन नरिशिंग एंड नर्चरिंग चिल्ड्रन, ठीक है, केयरिंग फॉर द एल्डरली एंड द केयरिंग फॉर द एजिंग फैमिली मेम्बर्स। स्किल्स वर लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर पास फ्रॉम वन एंड जनरेशन टू अनदर, ठीक है। प्राइमरी एस्टेब्लिशमेंट प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका फोकस था नरिशिंग के अंदर, नर्चरिंग ऑफ चिल्ड्रन के अंदर, जो प्राइमरी इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि नर्चर किया जाए उनको। केयरिंग फॉर द एल्डरली पीपल को केयर प्रोवाइड की जाए, और केयरिंग फॉर एजिंग फैमिली मेम्बर और केयर प्रोवाइड किया जाए एजिंग फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है। स्किल्स फॉर लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर का मेथड जो होता है, एक मेथडोलॉजी होती है, उसमें ट्रायल एंड एरर जो है वो लिया जाता है। ट्रायल एंड एरर में बेसिकली होता क्या है कि ट्रायल एंड एरर मेथड में होता ये है कि गलतियां के ट्राई किया और जब गलती हुई तो उसको फिर ठीक किया गया। तो ट्रायल एंड एरर के मेथड से जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो लर्न की जाती हैं और पास फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन और जनरेशन टू जनरेशन ये पास आउट होता गया। दिस इमेज प्रेजेंट्स द नर्स एज अ केयरिंग, ये इमेज जो है वो नर्स को एज अ केयरिंग शो करता है, पर्सन हु यूजेस कॉमन सेंस टू हेल्प द सिक इंडिविजुअल, और पर्सन जो होते हैं वो कॉमन सेंस को यूज़ करते हैं ताकि हेल्प कर सके सिक इंडिविजुअल्स की, ठीक है। इसके अलावा जो रिलीजियस इमेज है,
रिलीजियस इमेज है जो नर्स का, वो क्या है, सबसे पहले कंजंक्शन है विद, अच्छा, ग्रुप्स ग्रुप्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन कंजंक्शंस विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन द क्रिश्चियंस इरा विद देयर प्रायमरी कंसर्न्स फोकस्ड ऑन केयर ऑफ फॉर द सिक। तो क्या है कि रिलीजियस इमेज जो है वो नर्स का, ये ग्रुप ऑर्गेनाइज किए गए थे कंजंक्शन में किसके साथ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज के साथ, जब क्रिश्चियन इरा चल रहा था, क्योंकि जब यूरोप से जब नर्सिंग स्टार्ट हुई है तो उन्होंने ही नर्सिंग केयर का ज़्यादा फोकस किया गया, एक कंजंक्शन किया गया इनको, कोलेबोरेशन के साथ इसको स्टार्ट किया गया, यानी कि चर्चेज के साथ, और जो है ना क्रिश्चियन जो है वो ये रोल प्ले कर रहे थे, प्राइमरीली इनका कंसर्न था और फोकस था केयर फॉर द सिक, पुअर, ऑर्फन्स, विडोज और जो एजेड होते हैं उनके लिए, स्लेव्स के लिए और प्रिजनर्स के लिए, कि हम उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करें। इसके लिए जो मिलिट्री जो फीमेल्स थी उनको यूज़ किया जा रहा था, और जो नॉन्स हैं उनको किया जा रहा था, ताकि प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ये पहले एज अ पैशन काम हो रहा था और एज अ हेल्प काम हो रहा था, और एज अ नेकी, के लोग नेकी करना चाहते हैं, ठीक है, जिनके लिए, जो बीमार हैं, जो पुअर हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जो ऑर्फन हैं, इसलिए ऑर्फन एज बने हुए हैं, जितने भी ऑर्फन एज बने होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर जो होती हैं वो ऑर्फन एज ज़्यादातर रिलीजियस उनके साथ अटैच होते हैं, जैसे कि हमारा एडी सेंटर है, ठीक है, इस तरह के और बहुत सारे यतीम घर वगैरह हैं, इस तरह से उनके साथ जुड़े होते हैं। और पुराने दौर में जो था वो ये ज़्यादातर जो है वो चर्चेस वगैरह के हैंड ओवर था, या अगर, क्योंकि हमें, हमारे पास ज़्यादा एग्जाम्पल्स उधर के हैं इसलिए हमें पता है कि ये उनके साथ अटैच थे। और पाकिस्तान में जिस तरह से हमारे वो बने होते हैं अक्सर, इसी तरह हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने अपने जो है ना वो ऑर्फन्स वगैरह के लिए कोशिश की हुई है कि हम उनको हेल्प कर सके। विडोज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, एजेड हैं, ओल्ड होम्स वगैरह बनाए होते हैं जो स्लेव्स हैं उनके लिए, प्रिजनर्स के लिए। इसके अलावा दीज ग्रुप्स इंक्लूड डिकनन्स भी होते हैं, ऑफ द ईस्टर्न चर्च, क्रिश्चियन चर्च भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा इस ग्रुप के अंदर जो डिकनेस होते हैं ईस्टर्न चर्चेस के, डिकन और जो नॉन्स वगैरह हैं, ये बेसिकली मेल और फीमेल से रिलेटेड बात हो रही है चर्चेस के, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो हेल्प आउट करते हैं लोगों की टेक केयर के अंदर, और वॉलंटियरली लोग काम करते हैं। द ऑर्डर ऑफ विडो एंड द ऑर्डर ऑफ वर्जन्स एंड द मोनेस्टिक ऑर्डर इंक्लूडिंग द बेनडिक्टन्स हैं। इसके अलावा वाइल स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है, यानी कि जो जो कुमारी हैं फीमेल्स वो अपने आप को डिवोट करती हैं इस काम के लिए, जैसे कि अब आप लोगों के लिए तो नहीं, आप लोगों को जो मुस्लिम्स हैं उनको तो आइडिया नहीं होगा, लेकिन चर्चेज में जो बेनडिक्टिन जो सिस्टर्स होती हैं वो अपने आप को डिवोट करती हैं कि हम जो है हम खुदा के लिए काम करेंगे, हम नेकी के लिए काम करेंगे, हम शादी नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से लोग जो है वो अपने आप को डिवोट कर देते हैं। जो विडो होती हैं वो चर्च के कामों में हेल्प आउट करती हैं। तो इसी तरह के ये पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है, और लोग जो है वो अपने आप को डिवोट करते हैं नेकी के लिए, अच्छे कामों के लिए, और ये स्टिल एग्जिस्ट करता है। अब जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो जब आप मस्जिद वगैरह में जैसे मेल्स जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब वहाँ पे जब रिलीजियस एक्टिविटी जो भी होती है, तो कुछ लोगों ने अशर्स बने होते हैं, जिस तरह आप लोग अशर्स बने होते हो ना अक्सर फंक्शंस वगैरह में, इस तरह से जब मस्जिद में या मंदिरों वगैरह में चले जाओ या इधर चले जाओ, इनकी अपनी रिलीजियस एक्टिविटी के इनके अपने मेंबर्स होते हैं। कोई अपनी मर्जी से लोग सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, कुछ लोग सबको बिठाने का काम कर रहे थे, कुछ चेयर सेट करवा रहे होते हैं, तो बेसिकली ये खिदमत का काम कर रहे होते हैं। तो लोगों ने अपने आप को डिवोट किया होता है इस चीज़ के लिए। तो इसी तरह केयर के लिए भी लोगों ने अपने आप को डिवोट किया हुआ है। एंड द फर्स्ट हॉस्पिटल वर आल्सो डेवलप एट द सेम टाइम। और जो फर्स्ट हॉस्पिटल था वो जब डेवलप हुआ था, ये क्या था, क्रोसेड्स के नाम से हुआ था, 1096 से 1291 में हुआ था। इसने विटनेस किया था फाउंडिंग ऑफ मिलिट्री नर्सिंग ऑर्डर्स को। इन्होंने जो मिलिट्री नर्सिस थी उनको इसके अंदर इन्वॉल्व किया था और इसको जो है वो स्टार्ट लिया था। तो इसी तरह हमने एक जगह पढ़ा था कि सर्वेंट इमेज ऑफ नर्स भी हुआ करता था किसी दौर में, कि किसी दौर में सर्वेंट जो है वो माना जाता था। और इस इमेज को ख़त्म करने के लिए जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बहुत काम किया, और हमारी मॉडर्न नर्सिंग ने इसको चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की। अब ये जो सर्वेंट इमेज का जो था कंसेप्ट, ये कहाँ से बना, जब मिलिट्री नर्सेज जो है वो एज ए नर्स रोल प्ले करती थी, और उनके जो बड़े बड़े बॉस हुआ करते थे, और जब वो आके जो रॉयल फैमिलीज एडमिट होती थी, तो वो इस चीज़ को लेके चलती थी एज अ सर्वेंट। वो इसको कंसीडर करते थे और इसको इसी तरीके से चलाते थे।
क्या है, रिफॉर्मेशन हुई है विच बिगेन इन जर्मनी इन 1517 ब्रॉट विद इट अ चेंज इन द रोल ऑफ अ वुमेन। तो क्या हुआ जब रिफॉर्मेशन हुई, तो ये जर्मनी से शुरू हुई और इसने क्या किया, इसने चेंज लाया रोल ऑफ अ वुमेन के अंदर, इसने लिमिटिंग कर दिया, लिमिटिंग इट टू द कन्फाइंस ऑफ द होम, इसने लिमिटेड ये किया कि उनको घरों में कन्फाइन कर दिया। ड्यूटीज वर दोज ऑफ बेयरिंग चिल्ड्रन एंड केयरिंग फॉर द होम, कि इनकी ये ड्यूटी लगा दी गई नर्सिस की, कि इनको जो है वो घरों के अंदर एज अ सर्वेंट फिक्स कर दिया गया, और इनकी ड्यूटीज ये लगा दी गई कि इन्होंने घरों में बच्चों को झेलना है, बर्दाश्त करना है और पालना है, और साथ में जो घर है उसकी देखभाल करनी है। नर्सिंग को किसी देर में यहाँ तक पहुँचा दिया गया था। इसके बाद हॉस्पिटल के वॉज रेलीगेटेड टू अनकॉमन वुमेन, बहुत जो अनकॉमन वुमेन है सिर्फ हॉस्पिटल में उनको रखा जाता था। आ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ प्रिजनर्स, इसके अंदर ग्रुप ऑफ जो कंसिस्टिंग ऑफ प्रिजनर्स पे होता था, प्रोस्टिट्यूट्स पे होता था, ड्रंक्स पे होता था, हु हैड नो स्टेटस इन सोसाइटी एंड वर ट्रीटेड एज सर्वेंट्स हु डिड डिस्टेस्टफुल टास्क। ठीक है, मतलब ये कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जिनको घरों में बंद करना और घर में होम केयर के लिए या फिर घरों में बच्चे संभालने के लिए रख लिया गया, तो ज़्यादातर इनको रखा गया था या उनसे ये काम लिया गया था जो कि ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ड्रंक्स हैं, और इसके अलावा जिनका कोई सोसाइटी के अंदर स्टेटस नहीं है, और उनको जो है वो ऐसे ट्रीट किया जाता था, एज अ सर्वेंट ट्रीट किया जाता था, और ऐसे समझा जाता था कि इनका कि ये डिस्टेस्टफुल इनके लिए टास्क है, यानी कि एज अ पनिश उनको इस काम के अंदर लगाया जाता था कि तुम लोग इस तरह के काम करते हो, ये तुम्हारी पनिश है कि तुम अब इस चीज़ को झेलो। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने फिर हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, नर्सिंग के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्या काम किया? इसने किया कि इसकी कंट्रीब्यूशन ये थी कि इसने एज वी लुक बैक, अगर हम देखें बैकग्राउंड पे फोकस करें, टू द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी वी एनकाउंटर अ वर्ल्ड इन द थ्योरीज ऑफ एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर हम लुक करें, ओवर लुक करें चीज़ों को, अगर हम लुक बैक करें टू द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, हमें पता लगता है हम इनकाउंटर करते हैं अ वर्ल्ड इन अ थ्रोज, अब हम इनको थ्रोज में अगर हम देखें, मैं भी बशरा नहीं ऐसे लीना, अच्छा तो क्या है, हमें पता लगता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उस किस तरीके से इसके अंदर चेंजेस आई, और फिर उसके अलावा फैक्ट्रीज वर बिल्ड, इंडस्ट्रीज किस तरीके से डेवलप हुई, किस तरीके से काम होना शुरू हुआ चीज़ों पे, और फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई, स्कूल्स बने, इस्टेब्लिश हुए, ट्रैवल और कम्युनिकेशन टुक जाइंट लीप्स बन गए, यानी कि जिस तरह से वो आ गए कि फोन्स आ गए और कनेक्शन होना शुरू हो गए आपस में, द टेलीग्राफ हैड रेवोल्यूशनाइज कम्युनिकेशन, जो टेलीग्राफ वगैरह थे उसने रेवोल्यूशंस किया, बहुत सारी चेंजेस आई। इसके बाद है मेकिंग द हैपनिंग ऑन अ फार फ्लंग बैटल फील्ड इमीडिएटली, इसमें क्या हुआ, हैपनिंग हुई ऑन अ फार फ्लंग जो बैटल फील्ड थी, इमीडिएटली अवेलेबल टू द न्यूज़पेपर रीडिंग पब्लिक, ऐसे हुआ कि जो बहुत दूर दूर जो लोग थे, एक से दूसरे की खबर नहीं थी आती, लोगों को अपने बारे में नहीं पता होता है, लाहौर में रहते हुए एक दूसरे का नहीं पता होता था, तो फिर जब न्यूज़पेपर आया तो उससे ये हुआ कि जो बैटल फील्ड है उसका इमीडिएटली उसकी न्यूज़ हमें अवेलेबल होना शुरू हुई, हमें एक दूसरे का, जगहों का, आसपास का, खबरों का पता लगना शुरू हुआ न्यूज़पेपर की शेप में, की फॉर्म में। द फर्स्ट रंबलिंग्स रिगार्डिंग वुमेन एंड देयर राइट टू वोट अकर्ड इन इंग्लैंड, जो फर्स्ट रंबलिंग हुई थी रिगार्डिंग वुमेन औरत से रिलेटेड, एंड देयर राइट टू वोट, और उनका राइट के उनको राइट दिया गया कि वो वोट करें, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। दिस इज़ द पीरियड इन विच नर्सिंग एज अ प्रोफेशन वाज बोर्न, ये वो पीरियड था जहाँ पे वुमेंस को जब राइट्स दिए गए, तो उसमें ये फिर स्टैंड लिया गया कि नर्सिस जो है और नर्सिंग को एक प्रॉपर प्रोफेशन दिया जाए और प्रॉपर एक स्पेस दी जाए ताकि वो अपने राइट्स के लिए बात कर सकें। ठीक है, अटेंडेंस लगवा लो आप लोग। सब लोग अटेंडेंस लगवा लो।